तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के वीकली न्यूज़ के सेकंड एपिसोड के अंदर। इसका फर्स्ट एपिसोड लास्ट संडे को आया था और ये वीडियो हर संडे को आती है, जिसके अंदर मैं पूरे हफ्ते की अपडेट आपको देता हूँ मूवीज से रिलेटेड। कोई भी अपडेट्स हो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपडेट्स के बारे में मार्वल की मूवी। तो हमारी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आने वाली है, तो उसको पहले ही प्रीमियर कर दिया गया कई देशों के अंदर और उसके बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि एंड गेम के बाद की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है और इसके अंदर बहुत सारे डार्क सीन्स और सीन्स भी भरे पड़े, जिस वजह से लोगों को बहुत अच्छी मूवी लग रही है और इसे बेस्ट मूवी भी कहा जा रहा है। और मार्वल की बात हो रही है तो हम कैंग भैया यानी जोनाथन मेजर्स को कैसे भूल सकते हैं। इस केस के अंदर एक नया खुलासा आएगी, जो उनकी गर्लफ्रेंड रीको मार्वल के अंदर एक कोवर्कर, जिस वजह से ये केस और भी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है और कैंग का फ्यूचर मार्वल के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरे में जाता नजर आ रहा है। और अब पता नहीं कैंग का फ्यूचर मार्वल के अंदर क्या होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं हमारी गमोरा के कैरेक्टर के बारे में। जो उस कैरेक्टर को प्ले करती है जो सैंडेलिना, उन्होंने ये कहा कि ये उनकी गमोरा के रूप में मतलब एज अ गमोरा उनकी लास्ट मूवी होने वाली है। उसके बाद ये कभी मार्वल के अंदर गमोरा का रोल प्ले नहीं करने वाली। तो मे भी हो सकता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर गमोरा की डेथ होने वाली हो, ऐसा हो भी सकता है। और अगर गमोरा जिंदा बची तो मार्वल को गमोरा रिप्लेस करनी पड़ेगी किसी और एक्ट्रेस से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये उनकी लास्ट मूवी है गमोरा के रूप में। और अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के अंदर गमोरा जिंदा बची तो मार्वल को एक्ट्रेस चेंज करनी पड़ेगी, ये उन्होंने ऑफिशियली कह दिया है। और अब बात कर लेते हैं क्रेवन द हंटर के बारे में। कॉमिक कॉन के अंदर इसका ट्रेलर दिखा दिया गया है, जो कि और ऑफिशियली ये भी कह दिया गया कि ये एक आर रेटेड मूवी होने वाली है और इसके अंदर बहुत ज्यादा डार्क सीन होने वाला है, बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है। इसका ट्रेलर हमें कॉमिक कॉन के अंदर भी दिखा दिया गया है और इसके अंदर स्पाइडरमैन का फेमस विलन रैनो भी होने वाला है। तो क्या हम समझे कि ये एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन की तरफ एक हिंट है, क्योंकि ये जो है सोनी की मूवी है और सोनी एक अपना स्पाइडरवर्स बना रहा है। अब ये देखना बाकी है कि इसके अंदर कौन सा स्पाइडरमैन है, ज्यादा इसके चांस है कि ये एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन इसके अंदर होने वाला है। बाकी तो आगे देखते हैं कि सोनी करना क्या चाहता है, कि कौन से स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स के अंदर लाना चाहता है। बहुत हो गई मार्वल की अपडेट्स, अब आपको अपडेट देता हूँ डीसी के बारे में। तो डीसी के जो कर्ता धर्ता है जेम्स गन, उन्होंने ये अनाउंस करा है कि वो नए सुपरमैन को बहुत ही जल्दी हमारे सामने लाने वाले हैं। उनके पास 4-5 चॉइसेस ऐसी है जो कि सुपरमैन के रोल के अंदर एकदम फिट बैठते हैं और उन्होंने कुछ क्वालिटी भी बताई कि उस एक्टर के अंदर सुपरमैन का रोल प्ले करने के लिए ये क्वालिटी होना जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो सुपरमैन लेगेसी है वो कोई कॉमेडी मूवी नहीं होने वाली है, वो एक डार्क मूवी होने वाली है और सीरियस टोन को फॉलो करेगी वो मूवी, जो कि हमें 2024 के एंड तक देखने को मिल सकती है। और अब बात कर लेते हैं आदि पुरुष के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है लास्ट सैटरडे को आया था आदि पुरुष का मोशन पोस्टर, जिसके अंदर श्री राम का एक नया पोस्टर हमें दिखाया गया था। और इस सैटरडे जो कि जानकी जन्मोत्सव है, तो इस समय आदि पुरुष ने लॉन्च करा है जानकी मोशन पोस्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। जैसे राम जी का पोस्टर था वैसी सीता माता के पोस्टर बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर अलग ही बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि राम के पोस्टर के अंदर था, उनका भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी बहुत अच्छा था और ऐसी जानकी माता का भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बहुत अच्छा है। इन सबको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो आदि पुरुष है वो अपना कम बैक कर रही है और इनका भी ट्रेलर भी आने वाला है, क्योंकि इनकी जो डेट है वो बहुत नज़दीक आती जा रही है, तो उससे पहले इन्हें ट्रेलर लॉन्च करना पड़ेगा। तो उस ट्रेलर में पता लगेगा कि आदि पुरुष सच में कम बैक कर रही है या फिर ये खाली ऐसी हवा बना रखा था। ये तब देख के ही पता लगेगा कि इनके ट्रेलर के अंदर है क्या, ये पहले वाला कार्टून ही भर रखा है या फिर इन्होंने कुछ नया करा है, कुछ चेंजेस करे हैं आदि पुरुष के अंदर। तो यही कुछ अपडेट थे इस वीक की जो कि मैंने आपको दे दिया। अगर और भी अपडेट चाहिए तो मैं आपको अपडेटेड करता रहूँगा। तो यही था आज की वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।